टू माई हैक्स मिनी वर्ल्ड. वेल हैप्पी साजो टू एवरी वन. तो थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड होने में. तो आप सबने स्टार्टिंग में शॉर्ट क्लिप्स देखी होगी, तो आपने देखा होगा बहुत से आइटम्स बन के रखे हुए थे एंड मम्मा कुछ बना रहे थे. तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको दिखाऊंगी. तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. साजो जो होता है वो किन्नौर का फेस्टिवल होता है, जो हमारा न्यू ईयर होता है उसे हम साजो कहते हैं. एंड जैसे यहाँ पे पंजाब में पंजाब हरियाणा जैसे यहाँ पे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होती है, वैसे ही किन्नौर में होता है साजो. तो बहुत ही ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर फेस्टिवल है ये. तो इस वीडियो में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे बनती है, किस चीज से बनती है, एंड एक एक आइटम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो वेल वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक. और यहाँ देखो साजो की तैयारियाँ हो रही है एंड बेटा जी मम्मी को काम नहीं करने दे रहे, तो ये नहा के बैठा हुआ है. तो ठंडी है इस करके इसे भी थोड़ी देर अंदर बिठाया हुआ है, तभी सोना बेबी लग रहा है. तो मम्मी पापा यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया थे एप्रिकॉट्स होते हैं हमारे यहाँ पे बीजा बोलते हैं, तो उसे फाड़ के उठा रहे हैं. सर्दियों में बहुत ठंड होती है किन्नौर में, तो बाहर ऐसे काम नहीं हुआ जाता. तो यहाँ पे धूप आ रखी है, तो यहाँ पे हमने तीन चीजें सुखा रखी है. इनसे हमारे यहाँ पे पुग बनती है, उसे मूरी भी कहते हैं, पुग भी कहते हैं किन्नौरी में. तो ये वाला जो है इससे डंखर पुग बनता है. एंड आगे दो रखे वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे बनता है. तो यहाँ देखो मम्मा ने पुग बनाना शुरू कर दिया है. तो सबसे पहले मम्मा बना रहे हैं ये गेहूं है एंड हमारे यहाँ पे इसे जोत कहते हैं किन्नौरी में. तो ये उसकी मूरी बन रही है. सबसे पहले पुग या मूरी दोनों एक ही चीज है. तो इसको आग में ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे भूनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड क्रंची सी बनती है. तो सबसे पहले मम्मा बना रहे हैं ये वाली. और अभी मम्मा बना रहे हैं सेकंड वाला जो पुग है. तो ये है डंखर पुग, आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर के होते हैं, राई जैसे होते हैं, हल्के से छोटे से. तो मुझे याद नहीं आ रहा पंजाब चंडीगढ़ में इसे क्या कहते हैं, बस हमारे में इसे डंखर पुग कहते हैं. एंड ये मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है. तो ये जो पुग होते हैं इनको ड्राई फ्रूट्स के साथ खाते हैं, मोस्टली ड्राई फ्रूट्स के साथ ही खाते हैं. बट ये वाला जो पुग है ये मुझे चाय में लगा के, चाय में ऐसे सोक करके खाना मुझे बड़ा पसंद है, तो ये ऐसे भी खा सकते हैं. तो चलो आओ मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है. मुझे एक और चीज याद आई, इसके लड्डू भी बनते हैं गोल गोल से. आई गेस आप में से काफी लोगों ने खाए होंगे, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं वो भी. बट पुग ट्राई करना, किन्नौर आओगे तो जरूर टेस्ट करवाऊंगी. एंड यहाँ देखो बेटा जी को ये कैसे सो रखा है, ये बहुत ही ज्यादा शरारती है. एंड ये मम्मा बना रहे हैं थर्ड एंड जो लास्ट पुग है, ये है बोटंग का पुग. तो ये भी ऐसे बनता है क्रंची सा, एंड इसे भी ड्राई फ्रूट्स के साथ खाते हैं. तो ये वाला भी बड़ा टेस्टी होता है, बट कई बार ये हार्ड बन जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बनाना पड़ता है इन चीज़ों को. तो जो साजो का फेस्टिवल है वो आता है 13 या 14 को. तो जो साजो हम मनाते हैं वो हम मनाते हैं हमारे जो पांठंग में चूल्हा होता है, जहाँ हम आग जलाते हैं, उसकी चारों तरफ हम पूजा करते हैं उन चीज़ों से जो हम बनाते हैं. तो अभी सबसे पहले तो आग जला रहे हैं बिकॉज ठंड है. एंड सुबह सुबह उठ के पहले लोग 3 बजे भी जागते थे, बट अभी हम 4-5 बजे जागते हैं. तो सुबह उठ के सारी चीज़ें बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी. तो वो सारा कुछ बना के आपको 1 बाय 1 पूजा करनी होती है, चूल्हे के चारों तरफ रखना होता है. एंड यहाँ आप देख सकते हो यहाँ रखा है पम्पकिन. तो ये भी एक आइटम है जो साजो में रखी जाती है. तो सबसे पहले मम्मा इस पम्पकिन को अभी बीच से कट कर रहे हैं. तो पम्पकिन के सीड्स निकाल के पम्पकिन को हमारे यहाँ पे बॉईल करते हैं अच्छे से, एंड ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठे एंड टेस्टी होते हैं. तो आप में से किसी ने अगर ट्राई किया है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो. एंड साथ में मम्मा ने रखे हैं यहाँ पे पोटैटो. तो पोटैटो भी एंड पम्पकिन भी, तो ये भी बॉयल होते हैं दोनों, एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये खाने में. यहाँ देखो अब बनने लगा है किन्नौर के हद, जिसे चिल्टा भी कहते हैं,
और काफ़ी लोग इसे किन्नौर का डोसा भी कहते हैं। तो इस पर तो अगर आप मेरे व्लॉग देखते होगे तो मैंने बहुत सारे व्लॉग लगाए हैं ये कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है। स्टिल अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो ये भी बनाते हैं, बड़ा टाइम लगता है इसमें भी एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है ये चीज़। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ब्लड प्रेशर एंड आपकी आइज के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। देखो आपको जलेबी जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा, तो ये किन्नौरी जलेबी भी बोलते हैं इसे, तो इसे थिसपोले बोलते हैं हमारे में। तो ये तीन तरह के होते हैं, नमकीन होते हैं, मीठे भी होते हैं एंड टेस्टलेस भी होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड क्रंची होते हैं, आप इसे चाय के साथ खा सकते हो। एंड पूरियाँ, ये तो आप सबको पता होगी, तो पूरियाँ भी बनती है, जहाँ भी पूजा होगा वहाँ हलवा पूरी तो बननी ही है, तो पूरियाँ भी बन रही है। और ये हमारा हलवा भी बनके हो गया है रेडी, तो साजू की सारी तैयारियां हो गई है, आओ चलो करते हैं शुरू। तो ये देखो सबसे पहले पूजा की जाती है, तो हमारे यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, इसे दुरित कहते हैं। तो इसके अंदर जो है धूप जलाते हैं, तो हमारे यहाँ जो धूप होती है उसे शुर्च कहते हैं, तो उसे जला के ऐसे धुआं निकलता है, तो हमारे किन्नौर में इसी से पूजा की जाती है। एंड यहाँ मम्मा ने रख दिया है सारा कुछ, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ रखे है रेड राजमा, यहाँ रखे है लोड़ी की आइटम्स, यहाँ रखे है बादाम एंड अखरोट, एंड इसके बाद मम्मा ने रखे है हलवा पूरी एंड मक्खन, एंड इसके बाद जो तीन तरह की पुग बनाई थी, बोटंग पुग है एंड ये वाइट वाले तो डांखर पुग, एंड उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स के साथ थर्ड वाली जो पुग थी वो रखे हुए है, थोड़े से पॉपकॉर्न रखे है मम्मा ने एंड एप्पल्स रखे हुए है, एंड ये देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है हॉट बटर के साथ, एंड ये रहा पम्पकिन कद्दू, बड़ा टेस्टी होता है ये भी। यहाँ पे रखे पोटैटो, कॉर्नर पे दिया जला रखा होता है, एंड यहाँ पे जो बॉटल है इसमें एप्पल वाइन रखी है, बिकॉज किन्नौर में हमारी जो लोकल एप्पल वाइन होती है उसी से ही पूजा होती है। एंड ये रखी हुई है टेस्टी सी किन्नौरी जलेबी। तो अभी आ गई है पूजा की बारी, तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद मम्मा ने करी है पूजा। तो पूजा में ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी निकाल के चूल्हे के चारों तरफ रखते हैं, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल के मम्मा ने रख दिया है। एंड आई रिमेम्बर एक साल यहाँ पे ये पूजा मैंने करी थी एंड मैंने किन्नौरी ड्रेस पहनी थी, तो वेल वो वीडियो है नहीं मेरे पास। तो मम्मा ने ये सारी पूजा करी है, अंदर का तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा बाहर का माहौल आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो ठंड में बाहर अभी ऐसा सा मौसम है, बट धूप अच्छी निकल रखी है यहाँ पे एंड स्नूफी बेटा जी इतने बड़े हो गए हैं ये, तो आओ चलो मैं आपको सांगला का वेदर दिखाती हूँ। घर पे मम्मा इतना कुछ बना रहे थे, हमने सोचा चलो थोड़ा सा हलवा हम भी बना लेते हैं, तो हमने ये अपने जितना थोड़ा सा हलवा बनाया है, तो हमारा भी न्यू ईयर है तो हमने भी थोड़ा सा हलवा खा के सेलिब्रेट किया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर देना एंड मुझे बताओ ये जो आइटम्स रखी हुई थी साजो में, जो भी सारी बनी हुई थी, इसमें से कौन सी चीज आपको पसंद आई। एंड अगर आप आउटसाइडर हो जो किन्नौर से बाहर हो, तो आप मुझे बताओ कौन सी चीज आप टेस्ट करना चाहते हो। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।